स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ बाबा धाम मंदिर प्रांगण में। मेरे पीछे जो है आप बाबा बैद्यनाथ मंदिर देख पा रहे हैं, और सावन से पहले आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है अभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबको जो है बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो सावन से पहले इतना भीड़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज मैं आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से जो है सभी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं और कितना जो है ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। तो चलिए सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको सावन मेले से रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहे। चलिए आज के इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। मैं सुबह सुबह गया हुआ था बाबा धाम आप लोगों को दिखाने के लिए कि सावन से पहले बाबा मंदिर प्रांगण कैसा दिख रहा है, क्या कुछ जो है तैयारी चल रही है। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, बाहर से ही मुझे जो है आभास हो गया कि बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बाबा मंदिर। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप बाबा का आंगन पूरा भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। और ये मैया पार्वती का मंदिर और इस तरफ जो है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर आपको दिख रहा है, और पूरे आंगन में तो सिर्फ श्रद्धालु ही नज़र आ रहे हैं। सावन से पहले जो है बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जो है पूरा मंदिर इस प्रकार से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और इस तरह से मैं आपको जो है पूरे मंदिरों को घुमा के दिखा रहा हूँ। और अब जो है मैं आ चुका हूँ बाहर, जहाँ पर जो है लाइन लग के आगे की तरफ जाती है। तो ओवरब्रिज भी आपको देखिए पूरा खच्चम खच्चा दिख रहा होगा, लाइन में सब कोई लग के खड़े हैं क्योंकि आगे लाइन जाम है। और सामने आपको बाबा का मंदिर दिख रहा है, इसी में जो है सबको जाके जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दो हॉल है जहाँ पर सभी कांवरियों को, सभी भक्तों को घूमना पड़ता है लाइन में। देखिए सबको जो है हाथ भी हिला रहे हैं इस प्रकार से, लाइन में लगकर सबको जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद बाबा के आंगन में पहुँचते हैं। ऐसा तो आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था मैंने सोचा चलिए ये भी एक बार और आप लोगों को दिखाई देते हैं किस प्रकार का जो है अब भी भीड़ आ रहा है। भक्त आ रहे हैं बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए, और सब कोई जो है हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे, बोलबम का जयकारा लगा रहे थे, बाबा बैद्यनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे बाबा का दर्शन करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से सभी श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने जो है बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार का लाइन देखने को मिला सावन से पहले, इसलिए मैंने सोचा चलिए मेरे दर्शकों को भी दिखा देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये लाइन में जब आप इस प्रकार से आगे बढ़िएगा और आपको यहाँ तक आने के बाद जो है आप बाबा के मेन मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर जो है अगरबत्ती वगैरह जला के रखा जाता जो अभी आप देख पा रहे हैं। और यही हुआ सामने जो है बाबा मंदिर के सामने का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है गेट खोल के लोगों को यहाँ से जो है अंदर के तरफ घुसाया जा रहा था। ये जो है शॉर्टकट वाला है, तो इसका भी वीडियो आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से शॉर्टकट में सबको घुसाया जा रहा था। और ये देखिए ये है निकास द्वार जहाँ से सभी भक्त बाबा का दर्शन पूजा करके बाहर निकलते हैं और आगे मैया पार्वती के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही अन्य जो है यहाँ पर 22 जो मंदिर है सब मिला के, उन 22 मंदिरों में भी बहुत सारे भक्त जाके पूजा अर्चना करते हैं और फिर आंगन में आके इस प्रकार से बाबा का आरती करते हैं और बाबा को अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं। तो आपको मैंने दिखाया किस प्रकार का जो है भीड़ है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं मैं जो है कितना भीग चुका हूँ पसीने से, और किस प्रकार से सभी भक्त इसमें गर्मी में जो है लाइन में लगकर आ रहे हैं बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं। वो लाइन तो मैंने दिखाया, चलिए VIP लाइन दिखाते हैं जहाँ पर सभी जो है VIP पास लेकर टोकन लेकर लाइन में लगते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये VIP लाइन है, इस पर की जो है शीघ्र दर्शनम जिसको हम लोग बोलते हैं पास लाख लेकर जो है इस लाइन में लगते हैं। चलिए दिखाते हैं लाइन जो है ये कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आप मेरे पीछे ऊपर की तरफ जो लाइन देख रहे हैं वो ऐसा जो है जनरल लाइन जिसको बोलते हैं सामान लाइन है, बड़े भाई भाई। तो पीछे से लग के लाइन आती है, और मेरे सामने की तरफ जो है इधर काउंटर है जहाँ पर जो है यहीं से शीघ्र दर्शनम का लाइन प्रारंभ होता है जिसको हम लोग VIP लाइन बोलते हैं, जो पास टोकन लेके जो लाइन लगती है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी जो है बहुत ही अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है जिस कारण से इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके नीचे जो है इस तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहीं पर जो है आपको VIP पास मिल जाएगा आगे, और बाहर में भी जो है पंडा जी सब पास बेचते हैं वहाँ से भी आप पास ले सकेंगे। तो ये देखिए दुर्गा मंदिर है, इसके बगल से जो है आपको यहाँ पर ये प्रवेश द्वार आपको मिल जाएगा। देखिए बिना कार्ड का प्रवेश न करें ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहीं पर जो है आपको पास लेके जाना है, कार्ड मिलता है टोकन मिलता है उसी को लेके आप प्रवेश कीजिएगा, स्कैन होगा उसके बाद आप जाके लाइन में लगिएगा। तो इसमें भी जो है बाहर में ही कितना बड़ा लाइन है आप देख सकते हैं, वहाँ तक जो है मंदिर
मंदिर प्रांगण तक ये लाइन चला गया है, जो वीआईपी पास का लाइन है। देख सकते हैं आप कहाँ से जो है ये लाइन प्रारंभ हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीआईपी पास वाले में भी इतना ज़्यादा जो है आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा, पूरा जो है मंदिर प्रांगण से इस प्रकार से जो है लाइन लगी हुई है और यहाँ पर जाकर सब कोई एंट्री कर रहे हैं और आगे जो है उधर से जाके बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा कर रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा जो है भीड़ है, वीआईपी लाइन में भी, शीघ्र दर्शनम के लाइन में भी आपने देखा जो है कितना ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर भी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है वहाँ इन करने में। उसके बाद जो है लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह जो मैंने दिखाया इस प्रकार से जो है लाइन घूमते हुए जाती है और आगे जाके मेन लाइन में ही मिल जाती है। तो लगभग आपको थोड़ा समय बच जाता है और आज तो वहाँ भी भीड़ है, आपने देखा किस प्रकार से जो है वहाँ पर लाइन लगे हुए सबको। अभी जो है आपको वीआईपी पास का 250 रुपया लग रहा है, लेकिन सावन में वो आपको 500 रुपया लग जाएगा। और विशेष अवसर पर जैसे शिवरात्रि हुआ, सरस्वती पूजा हुआ 1 जनवरी हुआ, उस दौरान जो है वीआईपी लाइन जो है का जो कूपन मिलता है शीघ्र दर्शन का वो 500 रुपया करके मिलेगा। चलिए अब मैं एक झलक में आपको बाबा मंदिर प्रांगण का भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं मंदिर प्रांगण घुमा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है सारा पूजा का सामान मिल जाएगा। देख सकते हैं मैं घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, आप चाहे शिवगंगा तट पर लो, मंदिर के बाहर लो या मंदिर प्रांगण में, आपको सब जगह जो है इस प्रकार के पूजा का सामान मिल जाएगा। सभी जगह जो है जल संकल्प करके जो है बाबा का दर्शन पूजा कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा भीड़ है, सामने के समय सबको आरती वगैरह कर रहे हैं, बाबा का अगरबत्ती दिखा के वहाँ पर रखा जा रहा है। और ये रहा बाबा का मेन मंदिर और इस तरफ जो है मैया पार्वती का मंदिर है और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है मैया पार्वती की लाइन में जो है। आप देख सकते हैं मंदिर में जाने के लिए इस प्रकार से जो है लाइन लगा हुआ है, इसमें भी जो है आपको अच्छा खासा भीड़ नजर आ रहा होगा। देख सकते हैं आप इसी प्रकार से सबको लाइन में लगकर आगे जा रहे हैं और यहाँ पर जाकर मैया पार्वती का दर्शन पूजा कर रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यही रह गया मैया पार्वती का मंदिर और यहीं से जो है सबको जाके जो है बाबा मैया का जो है दर्शन पूजा कर रहे हैं आगे से। तो मैंने आपको ये घुमा घुमा के दिखाया पूरा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो भीड़ अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको दिखाया सावन से पहले कितना ज़्यादा भीड़ है बाबा धाम मंदिर प्रांगण में और अभी तो बहुत ही अधिक संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए पहुँच गए। तो मैंने कांवरिया पथ का बहुत ज़्यादा ब्लॉग दिखाया ही आपको, तो मैंने सोचा चलिए एक बार जो है बाबा मंदिर भी जाकर मंदिर प्रांगण का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो है सावन मेले से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं बाबा धाम के और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव मेरे साथ, बोलिए बाबा, जय हो।